हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज गर्मियों के लिए मैं एक मीठा डेजर्ट बना रही हूँ जो कि फ्रूट से भरपूर होगा और साथ ही आप बहुत ही कम सामान से घर में बना सकते हैं। इसके लिए एक पैन में मैं आधा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और उसमें मैं आधा कप सेवैया ऐड कर दे रही हूँ और उसको भून ले रही हूँ। एक से दो मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं सेवइयों का कलर अब चेंज हो गया है, ये हल्का बादामी कलर के हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब हमारा सेवइयाँ जो हैं वो भून चुके हैं। अब मैं इसमें आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पका ले रही हूँ जिससे कि सेवइयाँ हमारी अच्छे से पक जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। बीच बीच में मैं सेवइयों को चलाते रहूँगी। तक हमारी सेवइयाँ बन रही हैं तब तक मैं कस्टर्ड पाउडर आधा कप दूध में घोल ले रही हूँ। इसके लिए मैं एक बॉल में एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ जिससे कि कोई लम्स इसमें ना रहे। सेवइयाँ हमारी अच्छे से पक गई हैं। अब मैं इसमें एक चौथाई कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें आधा कप भी आप चीनी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें जो मिक्सचर तैयार की थी उसको मैं धीरे धीरे करके ऐड कर रही हूँ। एक हाथों से मैं कस्टर्ड का जो मिक्सचर है उसको ऐड कर रही हूँ और दूसरे हाथों से हिलाते रहूँगी जिससे कि कस्टर्ड जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और लम्स ना पड़े। अब धीरे धीरे हमारा सेवइया जो है वो गाढ़ा होने लगा है। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका सेवइया ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप उसमें आधा कप दूध डाल के उसको पतला कर सकते हैं। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारी सेवइयाँ बन के तैयार है। इसे मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में एक घंटे के लिए रख दे रही हूँ। सेवइयों को फ्रिज में रखे हुए एक घंटा हो गया। अब हमारी सेवइयाँ ठंडी हो गई हैं। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। इसको सर्व करने के लिए मैं ग्लास का यूज कर रही हूँ। अब उसमें मैं सेवइयों को आधा से अधिक भर दे रही हूँ और ऊपर से मैं बारीक कटा हुआ फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ अंगूर और बारीक कटा हुआ आम और साथ ही बारीक कटा हुआ केला यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको जो फ्रूट पसंद हो या आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल हो वो आप इसमें कट करके डाल सकते हैं। ठंडा ठंडा मीठे का ये रेसिपी गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, गर्मियों में जब भी आपको मीठा खाना हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही हेल्दी भी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।